हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जिया दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एशिया के नए चैंपियन। जिया दोस्तों, हमें एशिया का नया चैंपियन मिल चुका है, उसके बारे में। सैफ की कल मीटिंग हुई थी, सैफ कांग्रेस की सब मीटिंग हुई थी भाई, तो उसमें क्या डिस्कस हुआ, क्या आठवीं टीम हमें मालूम पड़ी है, नहीं मालूम पड़ी है, फ्यूचर में क्या हम लोग क्लब चैंपियनशिप देख सकते हैं, क्लब आप उसे क्लब फुटबॉल देख सकते हैं सैफ की तरफ से। जिया दोस्तों, सब कुछ बात करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज वाले वीडियो में। जिया दोस्तों, अगर स्टार्ट करेंगे एशिया के चैंपियन, जिया दोस्तों की बोल रहा हर बार भाई मैं। यस, एएफसी फाइनल, यस भाई, एएफसी चैंपियनशिप फाइनल कल हो रहा था बिटवीन अल हिलाल एंड उरावा रेड डायमंड। एंड अगर आप बात करें तो यहाँ पर दो लेग था, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट जोन से थे, ठीक है, दोनों टीम। तो भाई आप बात कर सकते हो कि भाई फर्स्ट लेग में 1-1 था, देन फिर बाद में उरावा रेड्स के होम ग्राउंड पे कल मैच था। एंड मैं बताओ भाई, एटमोसफियर खतरनाक था, मतलब आप बात करो मैच के स्टार्टिंग से पहले एंड मैच के एंड तक, एक मोमेंट पे ऐसा, मतलब वो बोलता कि एटमोसफियर, वो आवाज, वो क्रेज और ड्रॉप नहीं हुआ, मतलब उनके जो फैंस है लगातार खड़े रह के जो सपोर्ट कर रहे थे, जो आवाज कर रहे थे ना भाई, दैट वाज क्रेजी। एंड कल का मैंने मैच देख के भाई मेरी आंख खुल गई एंड मैं हक्का बक्का रह गया और मालूम पड़ गया भाई कि बहुत डिफरेंस है हमारे क्लब में, हमारे फुटबॉल में और जो कल मैंने देखा वो। एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कल फिजिकलिटी इतना, जो इंटेंसिटी ऑफ मैच था खतरनाक था भाई, हर एक सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा था। एंड वो लोग जो क्विक फिट कर रहे थे भाई, खन 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 खन, भाई साहब मैं सोचा भाई भाई हमें बहुत कुछ करना है, हमें बहुत मेहनत करनी है एंड यू नो हमें और आगे जाना है भाई, हम बहुत पीछे लेकिन ऑब्वियसली वो सब करेंगे हम लोग। तो अगर मैच की थोड़ी बात कर ले तो मैं आपको थोड़ा जिस्ट दिखाता हूँ, ये स्टैट्स को देख के आप सभी लोग बोलेंगे भाई क्या ये क्या हो रहा है, क्या ये तो बॉटल के, मतलब क्या उसको बस इन पार्किंग द बस किया, क्या पार्किंग द बस ऐसा कुछ क्या नहीं है। नहीं यार, फर्स्ट हाफ में अगर आप बात करो, यस अलीलाल डोमिनेटेड, अलीलाल ने डोमिनेट किया, लेकिन वही है भाई कि सही से ना चांसेस नहीं ले पा रहे थे। एंड गोलकीपर तो उनको खतरनाक क्रेडिट जाता है। फर्स्ट हाफ में अगर बात करें तो ज्यादा क्लियर चांसेस, ज्यादा क्लोज चांसेस उरावा रेड्स को मिले थे भाई, एक दो पोल लग गया, फिर एक दो ऑफसाइड था। सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ में काफी अच्छा उरावा रेड्स डायमंड ने परफॉर्म किया, डिफेंसिवली भी और अटैकिंग भी। अटैकिंग में ज्यादा चांस नहीं मिला, वो लोग दे वर लुकिंग ओनली टू काउंटर एंड, लेकिन भाई अलीलाल जो कर रहे थे एंड 4 से 5 बार ऐसा मौका आया अलीलाल को कि सबको लगा वो गोल, सबको लगा वो गोल है जब वो उसे स्ट्राइकर ने मारा, ठीक है, जब भी जो प्लेयर मारा ना सबको लगा गोल है, लेकिन उनका जो गोलकीपर था उरावा रेड डायमंड का, भाई साहब क्रेजी जो गोलकीपर की उसने, और कल का जो फाइनल है ना ये उरावा रेड्स के जो गोलकीपर है उसके वजह से जीते, बाकी तो भाई अलीलाल जीत जाती थी। तो यस, उरावा रेड्स भाई थर्ड टाइम चैंपियन, 2007 में चैंपियन थी, 2017 में चैंपियन थी और 2023 में चैंपियन हो चुके हैं। और अगर आप बात करें इंटरेस्टिंग, 2017 और 2023 में ये जो 2 साल में इन्होंने जीता है, दोनों बार अलीलाल को हराया भाई। एंड 2019 में भी ये लोग फाइनल खेले थे ये दोनों टीम, लेकिन अलीलाल तभी जीत गई थी। तो आप देखते हो भाई ये दोनों टीम्स आप हो सके कितने रेगुलर बेसिस पे आते हैं, रेगुलर बेसिस पे कितना अच्छा करते हैं भाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू उरावा रेड्स डायमंड एंड ऑल द फैंस की वाई फॉर विनिंग एंड फॉर बिकमिंग द एशिया चैंपियन। जी हाँ, अभी बात करेंगे सैफ कांग्रेस मीटिंग की जो कल हुई थी, ठीक है, सैफ कांग्रेस मीटिंग हुई थी। एंड अगर पहला हाईलाइट देखोगे कि पहला क्या पॉइंट आता है, यस शाजी प्रभाकरन, ये सब कल सभी लोग ने डिस्कस किया। एंड डॉक्टर शाजी प्रभाकरन हमारे जनरल सेक्रेटरी, उनको एएफसी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एशिया, हाँ, एएफसी कमेटी मेंबर बना दिया है। एंड ये काफी अच्छी बात है भाई कि हमारा इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब एएफसी का कमेटी मेंबर है, तो इट रियली फील्स गुड। तो होपफुली होपफुली अच्छा काम कर सके एंड वहां पर भी अपना वैल्यू ऐड कर सके। तो ये तो हो चुकी है, लेकिन कल भाई, कल सभी को लगा था कि यार हमें आठवीं टीम मिल जाएगी, मुझे भी लगा था भाई कि जब भी कभी आठवीं टीम मिलती हो तभी मैं वीडियो बनाता हूँ सबके लिए भाई, लेकिन नहीं भाई, आठवीं टीम नहीं मिली है। एंड आठवीं टीम के लिए हमें बोला गया है कि 15 मई तक हमें रुकना पड़ेगा। तो ये आठवीं टीम के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 8 टीम्स रहेंगी तो 2 ग्रुप रहेगा, 4-4 का, हमने दोनों ग्रुप से 2 जो टॉप 2 सिलेक्ट होगी वो सेमीफाइनल्स में जाएंगे, फिर सेमीफाइनल से फाइनल और फाइनल में से एक विनर देगा। जी हाँ, ठीक है। तो यार उन्होंने आठवीं टीम के बारे में बोला कि भाई 15 मई तक रुक जाओ तो तभी हमें मालूम पड़ जाएगा, बिकॉज कुवैत का तो आ गया पार्टिसिपेशन, तो सबको लगा था भाई कि जल्दी जल्दी आ जाएगा, लेकिन हमें 15 मई तक रुकना पड़ेगा। अगर आप बात करें सैफ क्लब चैंपियनशिप, जी दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया भाई कि जो सैफ की जो कंट्रीज है, ठीक है, हर एक कंट्रीज की जो भी क्लब्स है ना उसका आप बोल सके क्लब चैंपियनशिप होगा, और वो कैसा होगा वो नहीं पता। उन्होंने बोला कि हमने एक स्केच किया प्लान को इन द न्यू फ्यूचर, लेकिन पूरा प्लान अभी तक बताया नहीं है सही से, लेकिन भाई एक अच्छी खबर है भाई कि सैफ क्लब चैंपियनशिप, मतलब आप बोल सके सैफ पे जो कंट्रीज है उसके क्लब्स एक दूसरे के साथ खेलेंगे एंड काफी मजा आएगा भाई, देखना मिलेगा भाई हमें दूसरे क्लब्स भी कैसे खेलते, दूसरे कंट्रीज के क्लब्स कैसे खेलते भाई, इट विल बी रियली रियली फन। एंड जी दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना यार, आई होप आपको पसंद आ रहेगा वीडियो। मैं आपसे जाना चाहता हूँ भाई
कि आपकी क्या व्यूज है एंड क्या आपने AFC का फाइनल देखा कि नहीं कल का, तो जरूर मुझे चैट सेक्शन बताएगा। एंड बाकी सबके टॉपिक्स के ऊपर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो जरूर कमेंट सेक्शन खाली है भाई, बिंदास फ्री है सबके लिए, तो आप बताइए। एंड मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।